यौन शोषण के आरोपों पर घिरी आम आदमी पार्टी, विधायक देवेंद्र सहरावत के आरोपों पर पंजाब महिला आयोग ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट, दुर्गेश पाठक और संजय सिंह भी होंगे तलब। गुरदासपुर के बाद आज जालंधर से शुरू होगा सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा। छोटेपुर ने कहा, अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं पंजाब का मुख्यमंत्री, इसलिए आगे नहीं आने देते कोई नेता। आज फिरोजपुर और मोगा में होगा हल्के विच कैप्टन कार्यक्रम। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, चुनाव में जीत मिलने पर हर घर के एक सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी। चंडीगढ़ में आज पंजाब बीजेपी की लीगल सेल की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला की अध्यक्षता में आने वाले विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव आज, 148 बूथों पर 15,300 छात्र करेंगे वोटिंग। सुबह 9:30 से शुरू होगी वोटिंग, दोपहर 2 बजे शुरू होगी मतगणना। कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार करने वाले अलगाववादी नेताओं को मिलने वाली सुविधाएं कम कर सकती है सरकार। आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ करेंगे मुलाकात। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने नवंबर में पाकिस्तान जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले के हवाले से दी खबर, पीएमओ या विदेश मंत्रालय ने नहीं की पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आसियान की बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे लाओस। भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भी होंगे शामिल। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, आर्थिक समझौतों समेत कई मुद्दों को लेकर होगा एजेंडा। सोनीपत में वेटलिफ्टिंग की नेशनल खिलाड़ी संतोष चाय बेचकर करती है परिवार का गुजारा। संतोष ने स्टेट लेवल प्रतियोगिता में जीते हैं 7 गोल्ड।